उसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट देन इंटरसेक्शन ऑफ दीज सेट डिफाइंड एज, यानी ए और बी कोई दो सेट है तब उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं दोनों में हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे कि वो सेट इंटरसेक्शन है। तो जैसे सपोज हमने एग्जाम्पल लिया है ए बराबर 1, 2, 3 एंड बी बराबर 3, 4, 5, तो इस कंडीशन में इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 3, यानी 3 एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। साथ ही हम इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं अगर ए और बी ये हैं तो उस कंडीशन में इंटरसेक्शन क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसमें भी है और यही नंबर इसमें है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया।